नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले में निःशक्त जन कल्याण के लिए कलेक्टर जेके जैन के प्रयासों से जन सहभागिता की एक नई पहल सामने आई है। इस पहल के अंतर्गत न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने निःशक्त जनों का बीमा करने के लिए अपनी रुचि दिखाई है और इसी क्रम में अभी तक 357 रुपए में होने वाले बीमे में अब तक 100 निःशक्त जनों का पंजीयन किया गया है। कलेक्टर जेके जैन ने बताया कि जरूरतमंद लोगों और उनके सामाजिक कल्याण के कार्यों में जन सहभागिता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि घर घर जाकर दिव्यांग जनों का सर्वे कराएं और उनकी पहचान सुनिश्चित करें, उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ देने के साथ ही उनके कल्याण के लिए भी जन भागीदारी से जो कुछ भी अच्छा हो सके उसे करने का प्रयास करें। कुछ दिनों पहले गुरैया सब्जी मंडी में शिफ्टिंग को लेकर व्यापारियों और मंडी प्रबंधन में टकराव की स्थिति बन गई थी, जिसको लेकर मंडी अध्यक्ष शेष राव यादव ने कहा था कि जो दुकानदार अपनी दुकान यहां से शिफ्ट नहीं करेंगे उन पर एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन अभी तक ना ही कोई दुकान यहां से शिफ्ट की गई है और ना ही इस पर कोई कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत शनिवार को सामूहिक विवाह का आयोजन स्थानीय दशहरा मैदान में किया जा रहा है। शादी को धूमधाम से करने की तैयारी में नगर निगम का अमला लगा हुआ है। शादी में वर वधु को उपहार राशि के अलावा स्मार्टफोन के लिए 3000 का चेक भी मिलेगा। साथ ही विवाह की शुभकामनाओं के साथ मुख्यमंत्री का बधाई संदेश पत्र भी वर वधु को दिया जाएगा। मऊखेड़ ग्राम पंचायत में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के अंतर्गत महिला संसद का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत आज दूसरे दिन की ग्राम सभा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। आज महिलाओं को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी गई, साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच भी की गई। आदिवासी विकास खंड मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तामिया मुख्य मार्ग पर इन दिनों थोड़े से ही बचे जंगलों की भी अवैध कटाई की जा रही है। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते लकड़ी माफिया दिन दहाड़े ही सड़क किनारे पर वृक्षों की अवैध कटाई कर रहे हैं। गौरतलब है कि वन विभाग और वन विकास निगम के नाकेदारों सहित आला अधिकारियों के द्वारा इस क्षेत्र में निरीक्षण नहीं किए जाने के चलते लकड़ी माफिया के हौसले बुलंद हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं MSTV.in। नमस्कार।